नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडटॉक प्रीमियम में, जहां आपको स्वास्थ्य और दवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसी क्रम में आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट ड्रग भी है, एमिकासिन। एमिकासिन एक एंटीबायोटिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। एमिकासिन का यूज़ किन किन बीमारियों में की जाती है, इसकी कितनी मात्रा दी जाती है, क्या डोज साइड इफेक्ट है, सभी बातें विस्तार में जानेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए एमिकासिन के बारे में जानते हैं। एमिकासिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो एमिनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी में आती है। ये दवा उन बैक्टीरिया को भी मारने में कारगर है जो बैक्टीरिया किसी और एंटीबायोटिक के प्रति जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। एमिकासिन बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस से रोकता है। एमिकासिन राइबोसोम्स पर अटैक करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाते और मर जाते, इसलिए ये दवा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, इफेक्टिव मानी जाती है। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या यूज़ है, किन किन बीमारियों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। एमिकासिन का उपयोग निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया और अन्य गंभीर सीरियस मामलों में जो है इलाज में लिया जाता है। इसे आमतौर पर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। इन सभी गंभीर समस्याओं के अलावा भी एमिकासिन का उपयोग ब्लड टॉक्सिसिटी, श्वसन मार्ग संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, निमोनाइटिस, फुफ्फुस बर्न, फेफड़े में किसी प्रकार का घाव हो जाना, मूत्र जनन मार्ग संक्रमण, जलनेस से उत्पन्न संक्रमण, शल्य क्रिया के बाद यानी ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार का संक्रमण हो तो उसमें भी इसको उपयोग में ली जाती है। हड्डी या जोड़ों के बीच में जब घाव हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका काम बहुत अच्छा देखा गया है। मस्तिष्क ज्वर, बलगम वाली खांसी में भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा टाँकों में यदि मवाद पड़ जाता है और स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये दवाई बहुत अच्छे से अपना इफेक्ट दिखाती है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, एमिकासिन उन बैक्टीरिया को भी मारने में बहुत कारगर साबित होती है। इसके अलावा पेचिस, डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है और काफ़ी हद तक फ़ायदा भी इनसे लिया जाता है। किसी भी दवा की तरह एमिकासिन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें शामिल है सुनने की क्षमता, किडनी की समस्या, उल्टी या फिर जी मचलाना, त्वचा पे चकत्ते पड़ना यानी कि उसमें रैशेज आ जाना जिसमें लाल दाने भी हो सकते हैं, खुजली वगैरह भी हो सकती है, सिर में दर्द होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसके प्रति जो है अन्य मेडिसिन देकर इस साइड इफ़ेक्ट को वो कम कर सकते हैं। एमिकासिन का असर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, यानी 1 से 2 घंटे के अंदर जी है इसका असर शुरू हो जाता है और ये बैक्टीरिया को मारना स्टार्ट कर देता है। तो अब आइए इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं। तो वयस्कों को यानी एडल्ट डोज इसकी जो है 15 mg/kg के हिसाब से दिन में 2 बार डिवाइडेड डोसेज में दी जाती है और ये 8 से 12 घंटे के बीच में दी जा सकती है। और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो ये 500 mg की डोज 8-8 घंटे पर भी दी जा सकती है। इसके अलावा बच्चों को भी ये 15 mg/kg के हिसाब से जो है डिवाइडेड डोजेस में 2 बार में दी जाती है 8 से 12 घंटे के अंदर। नवजात शिशुओं में ये 10 mg/kg के हिसाब से 2 बार में डिवाइड करके 8 या 12 घंटे के बीच में दी जाती है। यदि बच्चे का वजन 5 किलो है तो 5 × 10 50 mg हो गया और 50 mg को 2 बराबर भागों में यानी 25 mg 25 mg करके 1 बार सुबह और 1 बार शाम को दी जा सकती है। इसके अलावा इसकी डोज आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवाई को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। एमिकासिन अन्य दवाओं के साथ भी इंटरेक्ट करता है, अन्य एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ जो इस दवा को नहीं लेना चाहिए, इसके इफेक्ट में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा डायूरेटिक्स, अन्य तरह के एंटीबायोटिक्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ जो है एमिकासिन इंटरेक्ट करती हुई पाई गई है। अब दोस्तों जानते हैं 5 ऐसी बातें जो एमिकासिन को यूज़ करते वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर के डिसाइडेड डोज के अनुसार ही इस दवा का उपयोग करना चाहिए और यदि आपको शुगर की समस्या है या इस दवाई को लेते वक्त कोई दूसरी प्रॉब्लम आपको दिख रही हो तो अपना ब्लड टेस्ट करवा भी सकते हैं। अपने डॉक्टर को जो है सारी मेडिकल हिस्ट्री बताइए कि कौन सी बीमारी है इस दवा का, अगर कोई पहले आपने लिया है, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो ज़रूर बताइएगा और दवा के कोर्स को पूरा ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वरना अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन बच जाता है तो फिर दोबारा से परेशान आपको कर सकता है। और कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर को बताइए ताकि वो ज़रूरी दवाई देकर साइड इफ़ेक्ट को कम कर सके और आपको सेफ रख सके। इसके अलावा 5 ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए, बिना वजह जो है इस दवा को नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही दवा को बंद या शुरू करना चाहिए। ओवरडोज कभी ना ले कि अभी थोड़ा सा और डोज बढ़ा के देखते हैं। अन्य दवाओं के साथ बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, किसी को ये दवा अपनी मर्जी से नहीं दे। और इसके अलावा यदि दवा के प्रयोग के दौरान सुनने में कोई दिक्कत होती हो या कान के अंदर कोई प्रॉब्लम होती हो
तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए और इस दवाई को सबसे पहले बंद करिएगा। एमिकासिन अन्य एमिनोग्लाइकोसाइड से थोड़ा अलग है क्योंकि ये उन बैक्टीरिया को भी मारने की क्षमता रखता है जो कि टोब्रामाइसिन जेंटामाइसिन जैसे दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर चुकी है और उनका असर जो है उनका असर उन बैक्टीरियाज पर नहीं होता है। तो इस मामले में जो है एमिकासिन बेस्ट है और इसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल भी थोड़ी सी अलग है दूसरों के मामले में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार के सेहत का ध्यान रखिए और देखते रहिए मेड टॉक रिव्यूज़। थैंक यू वेरी मच।